नमस्कार दोस्तों, आज का पाठ है कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की पुस्तक सृजन का अध्याय 2 भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद जिसके रचनाकार हैं सूरदास। पाठ में आगे बढ़ने से पूर्व आइए सूरदास जी के जीवन परिचय को देख लेते हैं। मित्रों, इनका जन्म सन 1483 ईस्वी में और मृत्यु सन 1563 ईस्वी में हुई। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गाँव में हुआ था। रुनकता आगरा के गऊ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा गया है, सूर सूर तुलसी सची उड़ुगण केशव दास अव के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। अर्थात सूरदास सूर्य, तुलसीदास चंद्रमा और केशवदास जो हैं वो तारे के समान है और बाकी जो आजकल के कवि हैं वे जुगनू की तरह यहाँ वहाँ प्रकाश कर रहे हैं। इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं, तभी वहाँ एक भौंरा आ जाता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती है, उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप रंग निवास माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन उपवन लता वितान यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। आइए मित्रों, भ्रमर गीत से चयनित इन पदों में से पहले पद का सर्वप्रथम सस्वर गायन करते हैं, तत्पश्चात इसकी व्याख्या की ओर चलेंगे। हमारे हरे हारिल की लकरी, हमारे हरे हारिल की लकरी, मन बचक्रमा नंद नंदन उर, मन बचक्रमा नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, हमारे हरी हारिल की लकरी। जागत सोवत सपने सौतुख, जागत सोवत सपने सौतुख, कान कान जकरी, हमारे हरी हारिल की लकरी। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, जो करुई ककरी, हमारे हरी हारिल की लकरी। सोई व्याधि हमें ले आए, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, हमारे हरी हारिल की लकरी। यह तो सूर तिन्हें ले दीजे, यह तो सूर तिन्हें ले दीजे, जिनके मन चकरी, हमारे हरे हारिल की लकरी, हमारे हरे हारिल की लकरी। मित्रों, हारिल अर्थात तोते से मिलता जुलता हरे रंग का पक्षी जो सदा अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, टहनी को पकड़े रहता है। लकड़ी अर्थात लकड़ी, वृक्ष की टहनी, वच अर्थात वचन, क्रम कर्म, नंद नंदन
श्री कृष्ण, उर माने हृदय, सौतुक अर्थात साक्षात, करुई अर्थात कड़वी, ककरी ककड़ी, व्याधि रोग या झंझट, चक्री अर्थात चंचल या अस्थिर। प्रस्तुत जो पद है, इस पद में उद्धव के ज्ञान और योग के मार्ग को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता दिखाते हुए गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने अविचल प्रेम को प्रकट कर रही हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण जो हैं वो हारिल की लकड़ी के तरह हैं। इस प्रकार हारिल अपने पंजे से लकड़ी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमारा जो ये हृदय है वह हृदय कृष्ण के ध्यान को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। मन बच क्रम नंद नंदन सो उरिय दृढ़ पकड़ी। हमने अपने हृदय में, अपने मन से, वचन से और कर्म से ये निश्चय कर लिया है कि हम इसे दृढ़ता से पकड़े रहेंगे, अर्थात हम उस कृष्ण के प्रेम में हमेशा ही जकड़े हुए रहेंगे, हम उसी के प्रेम में अनुरक्त रहेंगे। जागत सोवत अपने सौतुक कान कान जकरी, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली जो करुई ककरी। हम तो जागते हुए, सोते हुए, सपने में, प्रत्यक्ष में एक ही रट लगाए रहते हैं और वह रट है कृष्ण की। कृष्ण कृष्ण की ही रट हम लगाए रहते हैं, हमारे हृदय में एक ही रट लगी रहती है। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली जो करुई ककरी। हे अली, अली भंवरे को कहते हैं और गोपियां उद्धव को अली रूप में संबोधित कर रही हैं, भंवरा कहके संबोधित करती हैं और कहती हैं कि हे मधु, हे अली, हे भंवरे, तुम्हारा इस योग का जो उपदेश है, इस उपदेश को सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी आ गई हो। हे उद्धव, जिस योग के बारे में हमने कभी ना देखा ना सुना, उस योग रूपी रोग को आप हमारे लिए लेकर आ गए हो। सुधा जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, यह रोग, यह योग, यह व्याधि आप उन्हें ले जा करके दीजिए, इस योग के रोग की शिक्षा आप उन्हें दीजिए जिनके मन अस्थिर हों, जिनके मन चंचल हों, जो एक जगह स्थिर नहीं हों। हमारे लिए तो हमारे हरि ही, हमारे कृष्ण ही हारिल की लकड़ी की तरह हैं। मित्रों, प्रस्तुत पद में गोपियां कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को, दृढ़ प्रेम को व्यक्त कर रही हैं और उद्धव का जो ज्ञान योग है, जो निर्गुण ब्रह्म है, उसका उपहास कर रही हैं। हमारे हरि हारिल में अनुप्रास, कान कान पुनरुक्ति प्रकाश और जो करुई ककरी में उपमा अलंकार का प्रयोग दर्शनीय है। प्रस्तुत पद में विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन है। आइए चलते हैं दूसरे पद की ओर। हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको ना तरु जग जस गायो। हम तो दुहु भांति फल पायो, कहवे गोकुल की गोपी सब बरन हीन लग जाती। कहवे कमला के स्वामी संग मिल बैठी एक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। ता ऊपर अब साच कहो दो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागे उधो ना कहूं बारंबार। सूर श्याम तज और भजे जो ताकि जननी छा। तो दुहु भांति अर्थात दोनों प्रकार से ब्रजनाथ अर्थात कृष्ण, नीको अच्छा, नात्रु नहीं तो, जस अर्थात यश, वर्णहीन अर्थात अवर्ण या हीन वर्ण वाली, लघु जाति अर्थात छोटी जाति की अर्थात ग्वालिन, कमला, लक्ष्मी, एक पांती, एक ही पंक्ति में एक साथ, निगम ध्यान, वेदों का ज्ञान या ध्यान, अगोचर अज्ञात, घोष निवासी अर्थात अहिरों की या गोपालकों की बस्ती के निवासी, ता यानी उस, पा लागो पैर लगती हूँ, तजी अर्थात त्याग कर, भजे ध्यान करे, ताकि उसकी जननी अर्थात माता, और क्षार अर्थात राख या धूल। मित्र, प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव और उनके मित्र कृष्ण पर व्यंग्य करते हुए भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो दोनों ही तरह से लड्डू मिल गए, हमारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं, फल हैं। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, यदि हमें ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। नातरु जग जस गायो,
और यदि नहीं अर्थात कृष्ण हमें नहीं मिलते हैं, हमें दर्शन नहीं देते हैं, तो भी इस संसार में हमने उसका यशगान किया है, उनसे सच्चा प्रेम हमने किया है और इसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। गोपियां कहती है कि हम तो गोकुल की ग्वालिने हैं, गोपियां हैं और कैसी हैं, सब वर्णहीन लघु जाति, हमारा वर्ण और जाति छोटी है, जबकि श्री कृष्ण कमला के स्वामी हैं, लक्ष्मीपति हैं, नारायण के अवतार हैं, वे उच्च जाति के हैं, फिर भी हमें एक पंक्ति में बैठाया। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, वेदों और पुराणों के पढ़ने वाले योगी और मुनि जब उस पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते, ते भय घोष निवासी, वे अहिरों की बस्ती के निवासी हुए, हमारे गोकुल में हमारे साथ रहे, और जब ऐसी स्थिति हो, ता ऊपर अब साच कहो धो मुक्ति कौन की दासी। जब हमें इतना मिल गया है, वे कृष्ण जो वेद पुराणों के अध्येताओं मुनियों योगियों ज्ञानियों के लिए अगोचर हैं, वे हमारे साथ यहाँ गोकुल में आकर जब रहे हैं, तो अब आपसे हम सच कह दें, हमें इस मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, इससे तो बड़ी मुक्ति भी नहीं है। जोग कथा पा लागू उधो ना कहूं बारंबार, सूर्य श्याम तजी और भजे जो ताकि जननी छार। उद्धव से कहती है गोपियां, हे उद्धव, हम आपके पांव पड़ती हैं, आप बार बार ये जो निर्गुण की साधना की बात कहते हैं, योग की कथा सुनाए जाते हैं, ये हमें बार बार ना सुनाए, क्योंकि हमें मोक्ष नहीं चाहिए। हम तो केवल एक बात जानती हैं कि कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके यदि कोई किसी और को भजता है, किसी और की भक्ति करता है, तो उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है, उसका जीवन बेकार है, वह अपनी माता को तुच्छ बना करके अल्ला जाता है। मित्र, प्रस्तुत पद में गोपियां अपने तीखे व्यंग्यों और सहज तर्कों से योग और ज्ञान पर भक्ति की श्रेष्ठता को सिद्ध कर रही है, ताकि जननी छार से गोपियां उद्धव के प्रति क्षोभ प्रकट कर रही हैं। प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए चलते हैं तीसरे पद की ओर। बिलग जनी मानहू धो प्यारे, बिलग जनी मानहू धो प्यारे, वह मथुरा का जर की कोठरी, वह मथुरा का जर की कोठरी, जे आवहिं ते कारे, बिलग जनी मानहू धो प्यारे, बिलग जनी मानहू धो प्यारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भावारे, बिलग जनी मानहू धो प्यारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनिया रे, बिलग जनी मानहू धो प्यारे, मानहू नील माटते काढ़े, मानहू नील माटते काढ़े, ले जमुना जाय पखारे, बिलग जनी मानहू धो प्यारे, तागुन श्याम भई कालिंदी, तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुन न्यारे, बिलग जनी मानहू धो प्यारे, बिलग जनी मानहू धो प्यारे। तो बिलग अर्थात बुरा या अन्यथा, जनी अर्थात मत या नहीं, सुफलक सुत अर्थात अक्रूर जी जो बलराम और कृष्ण को मथुरा लेकर के गए थे, मधुप अर्थात भौरा भौरे भौरे जैसे, कमल नयन कमल जैसे नेत्र वाले अर्थात श्री कृष्ण, माट यानी मटका, पखारे अर्थात धोए, कालिंदी अर्थात यमुना और गुण अर्थात गुण। मित्र, प्रस्तुत पद में गोपियां मथुरा निवासियों को काले रंग वाला और काले चरित्र वाला बता करके उद्धव को उपालंब दे रही हैं। काले रंग पर कटाक्ष करते हुए मथुरा वासियों के चंचल स्वभाव का मजाक उड़ा रही है। गोपियां कहती हैं, बिलग जनी मानहू उद्धव प्यारे, हे उद्धव, आप बुरा मत मानना, अन्यथा मत लेना,
वह मथुरा काजल की कोठरी जे अवहित कार्य। ऐसा लगता है वह मथुरा तो काजल की कोठरी है, वहाँ से जो कोई आता है वह काला ही काला आता है। गोपियाँ कहती है, हे उद्धव तुम भी काले हो। सुफलक सूत अर्थात अक्रूर जी जो लेने आए थे बलराम और कृष्ण को, वे भी काले थे, और मथुरा की तरफ से जो भौरे आते हैं वे भौरे भी काले हैं। आगे कहती हैं गोपियाँ की, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे। मनियारे अर्थात रत्न की जैसी चमक वाले, दमक वाले। ऐसा लगता है कि उन काले लोगों के बीच में रह करके रत्न के समान जो कमल जैसे नेत्र वाले श्री कृष्ण है, उनकी छवि और अधिक सुंदर हो जाती है। ऐसा लगता है मानो तुम सब मथुरा वालों को नील के मटके में से निकाल करके और यमुना में ले जा करके तुम्हें धोया गया है, और इसलिए यमुना जी भी कैसी हो गई हैं, यमुना भी काली हो गई हैं, सांवली हो गई हैं। हे उद्धव हम श्री कृष्ण के गुणों का कहाँ तक बखान करें, वे तो न्यारे हैं, निराले हैं। मित्रों गोपियों के द्वारा काले रंग को लेकर के सुंदर व्यंग किया गया है, मथुरा को काजल की कोठरी बता करके और श्री कृष्ण के सांवले रंग को अनोखा बता दिया गया है। प्रस्तुत पद में काजल की कोठरी में अनुप्रास, कारे में श्लेष और कमल नयन में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो मित्रों ये था कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन के दूसरे अध्याय भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद का पहला भाग, जिसमें हमने इस अध्याय में संकलित 6 पदों में से 3 पदों का गायन और उनकी व्याख्या की है। अगले भाग में हम शेष पदों की व्याख्या करेंगे और साथ ही साथ इस संपूर्ण अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की भी चर्चा करेंगे। यदि आपको यह वीडियो व्याख्यान पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों शीघ्र ही हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे इस अध्याय का दूसरा भाग लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल बातें साहित्य की। धन्यवाद।